हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मटर पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं, अदरक और हरी। ये मैंने प्याज लिए हैं 3 और 3 गार्लिक क्लोव। ऑयल गर्म हो गया, मैं इसमें हींग डाल रही हूँ और साथ में जीरा ऐड। मैंने इसमें काजू ऐड कर दिया, साथ में गार्लिक भी और अनियन भी। अब इसमें हरी मिर्च और अदरक भी ऐड कर दूँगी। जब तक अनियंस फ्राई हो रहे हैं, मैं मटर बॉईल करने रख ली। मैं इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ ताकि इनका कलर रिटेन रहे। अनियंस ना कुक हो गए हैं तो मैं इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। साथ में मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये अच्छे से कुक हो गए। अब हम इसको ठंडा करके ना मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। ये इसका पेस्ट मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसमें 1 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी मैं ये देगी मिर्च डाल रही हूँ और इसको एक बार दोबारा मैं इसको ग्राइंड करूँगी। मैंने सेम कढ़ाई में थोड़ा ऑयल फिर से लिए, इसमें लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता ऐड कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ये प्यूरे ऐड कर दूँगी। ये ग्रेवी कुक हो गई है, अब मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। ये रेडी हो गई है। अब मैं इसमें ना ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया। ये ना सब्जी अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ, हरा धनिया, गरम मसाला और घी ऐड कर रही हूँ। आप इस टाइम पे मलाई या क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब 2 मिनट तक मैं इसको कवर करके कुक कर लूँ। तो ये मटर पनीर बनके रेडी हो गया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।